वेलकम एवरीबडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे। गाइस, टुडे थर्सडे, 1 अक्टूबर है, ठीक है। पहला दिन है कॉलेज का और मैं तकरीबन पहले दिन ही लेट होने वाली हूँ। 8 बजे क्लास है और इस टाइम मैं घर बैठी हुई हूँ और 7:30 हो रहे हैं। मेरी गलती नहीं है, अरबाब ने मुझे लेट कराया, ठीक है ना। उनको नाश्ते वाश्ते कराते कराते हमारा सारा कॉलेज का टाइम निकल जाना है, लेकिन ठीक है यार, पहला दिन है। अच्छा, मैं ऐसी हूँ नहीं वैसे, मैं कितना इसको नॉर्मल दे रही हूँ, पहला दिन है तो लेट जाने का। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ये इस चीज़ को आप लोगों को नहीं कह रही कि यार पहला दिन हो तो लेट जाने में कोई मसला नहीं है, टाइम पे पहुँचना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर लेट हो भी गए हैं तो कौन सा कयामत आ गई। अब मैं आप लोगों को, मुझे जल्दी है लेकिन मैं सुकून से इसलिए बात करी हूँ कि अरबाब अभी भी नाश्ता करें, नाश्ता कम्प्लीट करेंगे फिर वो मुझे छोड़ने जाएंगे। अच्छा, मैं तो मुल्तान में हॉस्टल में रहती थी और अब मुझे अरबाब कैसे छोड़ने जा रहे हैं, तो ये वाली जो स्टोरी है ना, ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। अभी थोड़ा ये बताती हूँ कि थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट है और थोड़ा थोड़ा डर भी है, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे रियलिटी चेक मिलने वाला है। अब पक्का पता है कि यार पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, बाकी बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कॉलेज आके करूँगी। कोविड के बाद फर्स्ट डे आज मैं कॉलेज आ गई हूँ और कॉरिडोर में चलती जा रही हूँ और ऐसे चल रही हूँ जैसे कि मेरी क्लास नहीं है, और लिटरली मैं अपनी फ़र्स्ट क्लास में वैसे ही लेट हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा है कि फ़र्स्ट क्लास को हम करेंगे बंक और हम जाएंगे सेकंड क्लास में। असल में अब आपको मुल्तान के इतने रास्ते नहीं आते, तो मैं भी अपनी सिस्टर के घर ठहरी थी, तो वहाँ से आते आते उन्होंने, हमने 8 बजे पहुँचना था, मेरी पहली क्लास 8 बजे थी, ठीक है। तो उन्होंने पहुँचते पहुँचते, अब भी हमारे पास एक मिनट क्या टाइम हो रहा है, इस टाइम 8:40 हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं वैसे भी एक क्लास मिस कर चुकी हूँ जो कि 40 मिनट्स उसके गुजर चुके हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्लास हो रही कहाँ है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू वेट इन द कॉरिडोर। मैं वैसे वेटिंग रूम में भी वेट कर सकती हूँ, हमारे कॉलेज में एक अदर वेटिंग रूम भी है, लेकिन उस तक जाते जाते बहुत क्लास भी गुजर जाएगी बहुत सारी। मुझे जहाँ तक एजम्पशन हो रही है ना कि वो एक क्लास है जिस दिन, जहाँ मैं पहले दिन आई थी, अगर वो गुजर गई तो यहाँ चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बिल्कुल रेस्ट, मेरी वेटिंग रूम में जा रही है, यहीं टहल रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, और इंशाल्लाह 10 मिनट तक चलना शुरू करूँगी तो मैं पहुँच। मेरी कोशिश होगी कि इस गंदे से बगैर मेकअप वाले मुंह के साथ मैं आप लोगों के साथ आज अपने दिन की सारी रूटीन शेयर करूँ कि कॉलेज आके मुझे कैसा लग रहा है। सच्ची में बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था आने का, उदासी हो रही है। सर ये क्लास में तो बच्चे को बैठे नहीं हैं, कहाँ हो रही है क्लास। अच्छा, मैं वैसे बहुत लेट हो चुकी हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है कि सर क्या करेंगे, सर ले रहे हैं क्लास और मैंने मास्क नहीं पहना। ओह माय शिट, क्या आप पहले दिन ही लेट हो गई हैं। ये है, मैं गैलरी में खड़ी हूँ, इसका व्यू कुछ इस तरह का है। अच्छा, हमें ऐसे लगता है कि ना मेडिकल कॉलेज में आके ना सारे मसले हल हो जाते हैं, इसको ना शुक्रपन नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं ना, मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। ये ऐसा कोई नहीं है मैट्रिक पास कर लो आके ज़िंदगी आसान है, मेरा ख्याल है ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं है। मैट्रिक के बच्चों के लिए, उनके लेवल के लिए नहीं आसान, अब हम बेचारों के लिए नहीं आसान के 3 माँ और इतनी मोटी मोटी किताबें,
सीनियर्स कहते हैं छोटी किताबों से पढ़ लो हो जाएगा, टीचर्स कहते हैं रिस्क ना लो बच्चा, और कभी कभार सीनियर्स भी कह देते हैं कि थोड़ा सा बाहर से भी आ जाता है। तो बताओ हम भी तो छोटे से बच्चे हैं ना, बस इस तरह ही ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन मैं शुक्रिया नहीं हो रही, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेडिकल कॉलेज में आके आपके सारे मसले आसान नहीं होंगे। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मेडिकल आपके सारे मसलों का हल है, तो आप गलत सोच रहे हैं। गैलरी में खड़ी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि सर मोहसिन क्लास को छोड़ दें, ताकि हम भी ज़रा नज़ारा कर सकें कितनी आवाम आएगी। अभी ऐसे कोई 5 मिनट ही गुजरे हैं मुझे खड़ी हुए और ये जो बैग है, ये मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बैग का साइज़ क्या है। इतना छोटा सा बैग है, लेकिन ये एक इसको पकड़ पकड़ के मेरे कंधों में दर्द होने लग गया। इसमें अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैंने सोचा था मैं आप लोगों को एक मेडिकल स्टूडेंट के बैग का टूर दूँगी, लेकिन इस बैग का नहीं, क्योंकि इस बैगड़ी में कुछ भी नहीं है। आज मैं इतनी ज़्यादा किताबें नहीं लेके आई, और इस रक्षे ने भी इसी वीडियो में ही अपना शोर मचाना है, ताकि मैं सुकून से वीडियो ना बना सकूँ। बैग दिखाती हूँ कि आज कौन सा बैग है, क्योंकि मुझे बैग्स का बहुत शौक है। मुझे पता नहीं अनकरीब मैं कब बैग्स का बिज़नेस भी शुरू कर दूँ, क्योंकि शौक से ही, फिर आपको शौक होता है, फिर आप उसको कमर्शलाइज करते हैं, फिर उससे पैसे कमाते हैं। ठीक है यार, ये इतना बुरा नहीं है, बहुत घटिया लग रहा है इधर, तो मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी। ये मैं ऐसे करती हूँ कि ना, अभी ऐसे नहीं दिखाती आप लोगों को, ज़रा पहन के ना पीछे से शशकेबाजी करके दिखाऊंगी। अब जा रही हूँ जी, बायो केमिस्ट्री का लेक्चर है। इस तरह की गर्मी में आपने जो भी कुछ किया हो। हाँ यार, आप असल में नए बच्चे आ गए हैं ना, अभी हमारी इतनी वो एफिलिएशन नहीं है। बंदा समझा के गया है कि मास्क नाक के ऊपर होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं रखूँ, तो मैं इसको नीचे रखूँ क्योंकि सांस नहीं आएगा। आगे से तो नहीं दिखा सकती, जाहिर सी बात है शक्लें आएंगी तो लोगों को मसले होंगे। ये असल में हमारी बायोकेमिस्ट्री की लैब है। अच्छा, मैं आपको ना एक सही वाला टूर की ये क्या ये बाद में दूंगी, अभी मेरा लेक्चर है इस क्लास में। बड़े घर वाले बैठे हैं यार, कोई हमें भी पढ़ा दे आके। ये जी आपके सामने है जी हमारा बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लेक्चर में आजकल तो यही कुछ हो रहा है कि बस प्रैक्टिकल नोटबुक को भरना है। ये आप लोगों की बगैर वाइट कोट के पहले साल की डॉक्टर। गाइस बहुत थक चुकी हूँ पहले दिन ही, इसमें आदत ख़त्म हो गई है ना, इस वजह से। तो आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम निस्टर पॉइंट। बट निस्टर पॉइंट मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए भी, थोड़ा सा स्नीक पीक दूंगी, लेकिन पूरा नहीं दिखाऊंगी। पूरा मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगी निस्टर पॉइंट की, क्योंकि यही वाहिद हमारी तो यही थोड़ी सी फेमस सी चीज़ है निस्टर पॉइंट। ठीक है, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी, तो अभी सिर्फ पानी दिखाऊंगी। सीन हमारा ये है कि 15 मिनट की ब्रेक है, ठीक हो गया, और अब हम भाग रहे हैं एनआईडी के भाग की कैंटीन के लिए, और ये तो निस्टर पॉइंट तो बंद है। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं एनआईडी, किसी और वीडियो में बताऊंगी। एनएमसी में वैसे हमारा लेक्चर होता है, और एमसी इज़ नाम मेडिकल कॉलेज, NID इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री। आजकल हमारी क्लासेस कोरोना की वजह से NMC में हो रही हैं। ये मेरी दोस्त को इतनी जल्दी है कि मेरा और इसमें 1 मील का फासला है पूरा। इसको हमने कहा रक्षा रोके, क्योंकि अगर हम पैदल चल के NID गए ना, तो फिर तो हम कभी 15 मिनट में वापस नहीं आ सकते। वैसे हम आने वाले भी नहीं हैं 15 मिनट में। पहले ये बताओ कि तुम लोग जा रहे हो, शगुफा किसने जगाया है NID वाला? मैंने, और मुझे भी अंदर डाल लिया, मुझे लग रहा है हम कभी भी बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में टाइम पे पहुंच ही नहीं सकते।
नाइटी में, और हालत चेक कर लो ज़रा गंद की। मैंने नहीं, तुम्हें उन्हें नहीं लिया। सही बात। समोसे हमने खा लिए हैं, अब हम जा रहे हैं वापस NID। वही रक्षे वाला सीन कर रहे हैं। धूप है, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा कि वीडियो कैसी बन रही है। तो वापस आ गए हैं गाइस, आई थिंक सो इट्स 11:15। अभी तक मैम नहीं आई क्लास में, तो हमारा ये जो छोटा सा हंट था वो सक्सेसफुल रहा। मैं लेकिन थक बहुत गई हूँ, इन्हों भाग भाग के आना पड़ा। हम ऐसे भाग के आते जैसे मैम इतनी पंक्चुअल हैं कि अभी आ जाएंगे। क्लास में लड़कों की एंट्री हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जी बाहर सैर करके आने के बाद क्लास आहिस्ता आहिस्ता तशरीफ़ ला रही है। ये हो रही है शाहिद भाई की एंट्री। शाहिद भाई से मेरी अच्छी बनती थी, लेकिन मेरा ख्याल है छुट्टियों में हमारी थोड़ी सी अनबन हो गई। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ मिलकर किसी लड़के के साथ प्रैंक करूं, और मैं किसी फड्डे में नहीं पड़ना चाहती थी। लड़कियां बैठी हुई हैं। अच्छा, आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग कि ये लोग इतना स्ट्रिक्टली SOPs को। गाइस ये था जी मेरा पहला दिन। बायो कैम वाली टीचर बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उन्होंने हमसे सुनना शुरू किया जो उन्होंने हमें ऑनलाइन पढ़ाया था, और वो हमें बिल्कुल नहीं आता था। तो इसलिए मैं उनकी क्लास को बिल्कुल ज़रा सा भी रिकॉर्ड करने का सोच भी नहीं सकी। बाकी अब घर जा रही हूँ, तो यही रूटीन होती है सारा दिन, बस लेक्चर लो, लिखो लिखो लिखो, अगर प्रैक्टिकल है तो लिखो लिखो लिखो, और अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो सुनो सुनो सुनो। तो लेट मी नो कि आप लोगों को मेरा ये वीलॉग कैसा लगा है, एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर वीलॉग्स लाइक दिस, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।